तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे ही रहने। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब सेटअप अपग्रेड के थर्ड पार्ट में। जैसा कि मैंने सेकेंड पार्ट में आपको दिखाया था कि इस पर पुट्टी हो रहा था और पुट्टी का काम आधा में ही रुक गया था। और क्यों रुक गया था? क्योंकि ये अच्छे से सूख नहीं पाया था, इस कारण से थोड़ा लेट हो गया। बट गाइस, अब ये अच्छे तरीके से सूख चुका है और इस पर गाइस प्राइमर, जो कि पुट्टी के बाद प्राइमर मराता है, लेयर एक इस पर चढ़ाया जाता है, वो हो चुका है। अब फाइनली अब इस पर पेंट होने वाला है, जो कि अभी कुछ देर में होने वाला है। गाइस, इस वीडियो में बने रहना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और गाइस, अगर आपने अभी आप थर्ड पार्ट देख रहे हो ना, अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाओ जाकर देखो। उसमें मैंने स्टार्टिंग से सारा चीज़ बताया है, कैसे कैसे मैंने किया है और क्या खर्च होने वाला है, वो सारा चीज़ मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आपको पहले जो भी प्रोसेस मैंने किया है स्टार्टिंग में, वो सारा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाकर देखना, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप कुछ ऐसा सेटअप फ्यूचर में बनाना चाहते हो। तो गाइस, अभी यहाँ पर मैं पेंट करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि ग्रे कलर का मैं पेंट करने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, अधिकतर यूट्यूबर ग्रे कलर का ही पेंट यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ग्रे कलर एक ऐसा कलर है जो किसी भी कलर के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। तो गाइस, मैं भी फाइनली मैं ग्रे कलर ही करने वाला हूँ, जो कि मैं लेकर आया हूँ। ये देख सकते हो, ये बर्जर का एक पेंट है, जो कि मुझे 300 रुपीज़ का पड़ा एक लीटर। अब इसमें कितना यूज़ होता है वो देखते हैं, फिर अगर नीड होगा तो फिर और लेकर आएंगे। गाइस, ज़्यादा देर न करते हुए पेंट का काम शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनली आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर पेंट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये पेंट हो चुका है। भाई, इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया भाई। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये दो साइड छूट चुका है। वो क्यों छूटा है गाइस? मेरा पेंट ही ख़त्म हो गया गाइस, इस कारण से छूट चुका है। इसे मैं बाद में कर दूंगा, बाद में मैं पेंट लाऊंगा फिर मैं कर दूंगा। गाइस, अब ये हो गया। अब इस पे यहाँ पर वॉल स्लीव्स होता है, वो मैं लगाना चाहता हूँ। तो गाइस, वॉल स्लीव्स के बारे में आप नहीं पता है तो आप अमेजोन पे चेकआउट कर सकते हो। और गाइस, मैंने चेकआउट किया, उसका इतना ज़्यादा प्राइस था भाई, 1200-1300 से नीचे कोई वॉल स्लीव्स था ही नहीं। तो गाइस, अब मैं अपना खुरापाती दिमाग लगाया और एक कारपेंटर की दुकान पर गया और मैं वहाँ बोला कि मुझे इस तरीका, मैं फ़ोटो कुछ दिखाया। उसके बाद वो बोला, भाई मैं बना दूंगा उनके पास, क्योंकि बहुत सारा कचड़े, मतलब बेकार जो वुड होता है जो कोई यूज़ नहीं होता है, उनका वो बना देते हैं। और गाइस, आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसा कि मैंने बनवा कर लाया था और मैंने पेंट किया है इसे खुद, और देख सकते हो गाइस, ये मुझे मात्र 200-300 रुपये में उन्होंने बना कर दे दिया। सच बोलूँ तो 250 रुपये लिया है भाई और बना कर दे दिया है। और गाइस, आप भी ऐसा कर सकते हो, और मैं सारा डिटेल्स आपको बताऊँगा ही लास्ट में, इसका फाइनल जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं बताऊंगा ही। अब गाइस, ज़्यादा देर ना करते हो, इस वॉल स्लिप्स को जल्दी से यहाँ पर सेट करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस, फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आखिरकार मेरा जो वॉल स्लिप्स था वो वॉल में माउंट हो चुका है प्रॉपर तरीके से। और गाइस, देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है और आप भी देखने के लिए एक्साइटेड हो गए, तो चलो दिखा देता हूँ। तो गाइस, ये कुछ इस तरीके का वॉल स्लिप्स लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना भाई, बड़े उम्मीद के साथ पूछ रहा हूँ, बताना ज़रूर आपको मेरी कसम है, बताना ज़रूर भाई। तो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, मैं ऑनलाइन जो मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, और प्लस सभी क्रिएटर वही वॉल स्लिप्स यूज़ करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे सिंपल एकदम थोड़ा सा चाहिए था, जो कि ये लग रहा है। और ये जो मैंने पॉट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, बस ऐसे ही आपको एक आइडिया के लिए, थोड़ा लुक बेटर हो जाए इसलिए। और अभी देख सकते हो, साइड में अभी पेंट नहीं हुआ है और इस साइड भी पेंट नहीं हुआ है, वो भी मैं प्रॉपर करके आपको इसका जो फोर्थ नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, इसके बाद का वीडियो प्रॉपर स्टूडियो आपको मिलने वाला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो लगने वाला है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको प्रॉपर वीडियो नेक्स्ट वाला मिलने वाला है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगेगा आपको। और हाँ गाइस, इसके बाद मैं एक फाइनल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको टोटल डिटेल्स बताऊंगा कि कितना खर्च हुआ, A to Z मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो गाइस, अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।